You forgot the year? No. Sali bhool gaya. They're so beautiful, you forgot which year they were in. Huh? Okay, Miss Diva, Miss Universe, India 2016, styled by Splash. No, no. I mean, I'm excited for all these girls. I'm sure they're more excited than even I can be. It's very important. I think it's a great platform for them, great opportunity for them. I'm sure there's been a rigorous protocol to who they are and what's up and, you know, what kind of future holds for them. I think it's a, you know, we've been seeing so many of our girls doing so well all over the world. And I feel that the kind of breeding and grooming that the Times of India group does to make them absolutely amazing is what counts. So I wish them all the best. I really wish they go and win more accolades. And I really wish they become, you know, the women of substance that we all want them to be. In your point of view, what qualities should be there for a model? Become a big woman to work? Well, I think every woman, besides just being good looking, must have a heart, must have an intrinsic knowledge about what the issues are of the world, whether tomorrow you're fighting HIV or whether tomorrow you're fighting poverty or you're fighting, you know, renewable energy, the environment. I think a good balance between understanding what the world is, being beautiful, and having the right communication skills is very important. Thank you. मैं हर साल चाहती हूं कि मैं इन लड़कियों को कुछ तो सिखा दूं और फिलहाल 16 साल के बाद इंडिया के लिए वापस मिस यूनिवर्स का क्राउन जितवा दूं लेकिन आसान बात है नहीं आपको जैसे पता है ये लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं और हमारे देश में भी हमने ऑडिशंस नेशन वाइड किया था और 10,000 एंट्री से ज़्यादा मिले थे हमें इस साल और उनमें से सिर्फ 16 लड़कियों को चुनना बहुत ही कठिन काम है लेकिन अगर आप लड़कियों को आज देखेंगे तो यू विल ट्रूली फील कि हर एक लड़की यहाँ डिज़र्व करती है कि वो यहाँ आए एंड मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आई थिंक हमारे लिए आज बहुत ही अच्छा बैच मिला है हमें इस साल सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद देम नहीं 3 साल पहले तो हमारी भी एक शुरुआत थी एक कॉन्सेप्ट था कि हम इस प्रतियोगिता को एक रियलिटी टेलीविजन सीरीज़ बनाएंगे ताकि ऑडियंस भी अपने विनर को जान जाए अपने मिस डीवा को जान जाए ताकि जब वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जाए तो कम से कम पूरी देश उसके पीछे रहे और तब छोटे छोटे चीज़ें की चेंजेस भी हुई थी लेकिन अभी आई थिंक 3rd साल में हम लोग काफ़ी सेट हैं काफ़ी फॉर्मूला जो है उसे क्रैक कर चुके हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड काफ़ी कुछ नया दिखने मिलेगा आज आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्वालिटी ये है कि वो बहुत ही ग्रेसफुल हो एलिगेंट हो उसमें थोड़ा सा दिमाग रहना बहुत ज़रूरी है हर लड़की खूबसूरत है हर लड़की जो यहाँ तक पहुँचती है हर लड़की खूबसूरत है लेकिन उसमें और वो स्पार्क ज़्यादा क्या है वो एक्सपेक्टर क्या है जिसमें जो दूसरी लड़कियों में है नहीं और जो दुनिया भर में उसे अलग मतलब यू नो इट विल मेक अ स्टैंड अपार्ट वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है रुस्तम ट्रेलर लुक्स फैंटास्टिक अक्षय मेरे सबसे फेवरेट को-स्टार है और आई होप कि ये फिल्म भी उनके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रही ऑफ कोर्स आई एम गोना कैच रुस्तम एज़ सून एज़ इट कम्स आउट एंड सो शुड यू वेल देखिए वो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है ये पहली बार आप देखेंगे कि आपके जो मिस यूनिवर्सेस बनते हैं मिस इंडिया बनते हैं यू नो मिस वर्ल्ड बनते हैं मगर मिस यूनिवर्स की जो तैयारी होती है और किस तरीके से वो तैयारी करते हैं ये हमारे दर्शक को अब टेलीविज़न के ज़रिए इस शो के ज़रिए देखने को मिलेगा लारा इसकी यू नो चेहरा है इस होस्ट है इस शो का और वो खुद मिस यूनिवर्स रह चुकी है उन्होंने एक बहुत ही अच्छी करियर बनाई है मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी और फिल्म इंडस्ट्री में भी तो आई विश देम ऑल द बेस्ट यार मुझे नहीं पता क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए रियली आई थिंक कुछ भी बनने के लिए आपकी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है वो मायने रखती है जब हम सब बहुत ही छोटे थे तो उस वक्त हम मॉडलिंग कर रहे थे और उस दौरान भी अगर एक मिलन था या मैं थी या मधु या फिर शीतल या मैं या मार्क राहुल हर इंसान की खुद की पर्सनालिटी थी एक खुद का स्टाइल था
और आई थिंक इसीलिए लोगों ने हमें सराहा, हमें बहुत इंकरेजमेंट दी और बहुत प्यार भी दी। अभी मैंने रॉक ऑन 2 ख़त्म की है, फिर कहानी 2 है और फिर डैडी। हाँ तो मैं बधाई दूंगा, कंग्रेचुलेशंस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ अस एज इंडियंस। लेट्स ऑल स्टे यूनाइटेड।